उस आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति बेवजह रोड पे अगर घूमता है जिसके पास में कोई वैलिड रीज़न नहीं है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला सुपारा वेस्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार पुलिस ने पूरी तरह नाकाबंदी कर रखी है। धारा 144 लागू हो चुकी है, उसे लागू कर दिया गया है युद्ध स्तर पर। सभी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने कार्य को बखूबी कर्तव्य निष्ठा के रूप में कर रहे हैं। वे यहाँ पर उन लोगों को रोका जा रहा है जो बिना कारण घर से बाहर निकले हैं अत्यावश्यक सेवा के लिए। उनकी बात जायज नज़र आएगी, उनके पास सर्टिफिकेट या ऐसा कोई परमिशन लेटर नज़र आएगा, तभी उन्हें छोड़ा जा रहा है। उनकी गाड़ी की पूरी तरह चेकिंग हो रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, किस कारणवश जा रहे हैं, इसकी पूरी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही छोड़ा जा रहा है। आइए हम इस संपूर्ण विषय पर समीर अहिराव जी, पुलिस निरीक्षक जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि वेस्ट में किस प्रकार की पुलिस व्यवस्था है, किस प्रकार का यहाँ पर नाकाबंदी की व्यवस्था है। सर, सबसे पहले तो किस तरह की व्यवस्था है और कहाँ कहाँ पर नाकाबंदी लगी है और क्या किन लोगों को रोका जा रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था है? महाराष्ट्र शासन ने कोविड प्रादुर्भाव को बढ़ते देखते हुए कल से नए गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। उसके तहत माननीय पुलिस आयुक्त मीरा भाईंदर वसई विरार, इन्होंने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। उस आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति बेवजह रोड पे अगर घूमता है जिसके पास में कोई वैलिड रीज़न नहीं है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मेरा नागरिकों से आह्वान है, निवेदन है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ अत्यावश्यक काम के लिए बाहर निकले, बेवजह कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति अत्यावश्यक काम को छोड़ के बाहर निकलता है, अगर वो पाया जाता है कि उसका रीज़न वैलिड नहीं था, तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कहाँ कहाँ पर नाकाबंदी लगी है वेस्ट की तरफ, कितना कहाँ कहाँ? वेस्ट में सिविक सेंटर है, गास्टी पॉइंट, यहाँ पे हमारी नाकाबंदी चालू है। पुलिसकर्मी वहाँ पे जो वाहन है उनको चेक कर रहे हैं, उनके पासेस देख रहे हैं, उनका रीज़न देख रहे हैं, ट्रैवलर्स का वो क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, और जो बेवजह घूमते नज़र आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये थे समीर अहिवार जी। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस ऐसे लोग जो बिना कारण और अनावश्यक तरीके से घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह पुलिसिया व्यवस्था अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रही है, वसई विरार में बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए जो प्रयास किया गया है वो धरातल पर आकर कितना सार्थक होता है। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, पल पल की खबर देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।